स्टार्ट कर रहे हैं विद द पेज नंबर 8 के टॉप के ऊपर से. स्टार्टअप इंडिया. स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन. उन्होंने ऑब्जेक्टिव बता दिया जी कि एक तो हम अपने देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं. द गोल ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इज द डेवलपमेंट एंड द इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज. हाईलाइट करेंगे जी इस वर्ड को, अंडरलाइन करेंगे, दैट इज इनोवेशन. हम क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. मैं आपको वैसे एक स्टैट्स बता देता हूं. अगर आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखेंगे कि कितनी इनोवेशंस इंडिया में होती हैं और कितने पेटेंट्स इंडिया में रजिस्टर किए जाते हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे हम कहते हैं कि हर एवरी सिक्स पर्सन इज एन इंडियन, ठीक है, कि अगर 700 करोड़ की आबादी है तो उसमें से 125 करोड़ लोग तो हमारे हैं. सो अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करें, तो इंडिया 1% भी पेटेंट रजिस्टर नहीं करवाता है वर्ल्ड में जितने भी पेटेंट रजिस्टर किए जाते हैं. और ये जो फैक्ट्स हैं ये बड़े ही शॉकिंग फैक्ट्स हैं, और इंडिया की गवर्नमेंट भी इसको अब दूर करना चाहती है. एक टाइम था जब इंडिया सभी इन्वेंशंस में वर्ल्ड को लीड करता था, लेकिन आज हम बहुत पीछे हो गए जी. आजकल यूएस, जापान, टोक्यो, ये सारी जो कंट्रीज हैं इन्होंने लीडरशिप ले लिया, और नई से नई टेक्नोलॉजी सबसे पहले इनके पास आती है और उसके बाद इंडिया के अंदर आती है. सो विद दैट इंटेंट कि इंडिया के भी पेटेंट्स बढ़ें, तो हमने क्या कहा, द गोल ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इज द डेवलपमेंट एंड इनोवेशन of the product and services and increasing the employment rate in India. Benefits of the Startup India scheme is the simplification of the work. Hum kaam karna aapke liye thoda aasan kar denge, India ke andar kaam karna thoda mushkil hai. Financial support aapko denge, government aapko tenders degi. Dekhiye isse acha kya ho sakta hai, agar government hi aapko tender de de, itne bade bade orders agar aapko mil jayenge, so in that case your work is definitely going to be super hit. नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे. स्टार्टअप इंडिया वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 16 जनवरी 2016, ठीक है. जो ये डेट है जी थोड़ी सी आसान है, इसको अगर आप न्यूमेरिक में लिख लेंगे तो और आसान आपको लगेगी. सॉरी, वी विल एट पेज नंबर 8. इसको अगर हम न्यूमेरिक में लिखते हैं सो ये आती है जी 16160, ठीक है. सो इस तरह से इसे याद करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है. तो ये कब लॉन्च हुई? 16116 को. बेनिफिट्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया, तो अगर हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देती है. सबसे पहले जी फाइनेंशियल बेनिफिट. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर पेटेंट बेस्ड, ठीक है जी. वो कोई नई चीज लेकर आते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, कोई नई सर्विसेज लेकर आते हैं, लेकिन वो उसको पेटेंट नहीं करवाते. क्यों? पेटेंट का खर्चा ही बहुत ज्यादा है. और वो कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, हमारा बिजनेस फ्लरिश होने दो, और बाद में कोई बड़ी कंपनी उसका पेटेंट करवा लेती है और बाद में उनको कहती है कि आप ये काम कर नहीं सकते. तो कहते हैं इट मींस दे प्रोड्यूस और प्रोवाइड यूनिक गुड्स और सर्विसेज. वो कई नए तरह के गुड्स या सर्विसेज लेकर आते हैं. इन ऑर्डर टू रजिस्टर देयर पेटेंट्स दे हैव टू इनकर द हैवी कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट कॉस्ट. अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आएंगे तो गवर्नमेंट 80% रिबेट आपको प्रोवाइड करेगी, डिस्काउंट देगी जी. पेटेंट कॉस्ट पे जितना भी आपका खर्चा है 80% गवर्नमेंट उसके अंदर से आपको डिस्काउंट दे देगी, और आपको सिर्फ 20% कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट विच वी आर गोइंग टू गेट अंडर द स्टार्टअप इंडिया. वी आर कमिंग एट द पॉइंट नंबर 2, दैट इज इनकम टैक्स बेनिफिट. तो सरकार ने क्या कहा कि पहले 3 साल हम आपको टैक्स भी नहीं लगाएंगे, ठीक है. फॉर एवर के लिए तो उन्होंने नहीं प्रॉमिस किया, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इनिशियल फेज में जब आप थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जब आपके प्रॉफिट भी कंपैरेटिवली कम होंगे, इन दैट केस पहले 3 साल हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे. स्टार्टअप्स enjoy a good amount of benefit under the income tax head. The government exempt their 3-year income tax post the incorporation year. जब भी आपने अपना काम शुरू किया उसके अगले 3 साल तक हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. बिकॉज फिर तो हर एक पर्सन कहेगा जी मेरा तो नया स्टार्टअप है, मैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आता हूँ. तो हमने कहा कि नहीं, ऐसे हर एक ये बेनिफिट ना ले पाए, लोग इसका मिस यूज ना करें, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से. एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट दिखाकर 3 साल तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, आपकी इनकम जितनी भी हो. रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स. रजिस्ट्रेशन बेनिफिट पे थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं.
जो मोदी जी हैं दे वर वेरी पॉपुलर, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी उनकी बहुत हाइप थी क्योंकि वो गुजरात के सिटिंग सीएम थे और गुजरात के अंदर इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत फ्लरिश किया। जबकि उन 10 साल जब वो गुजरात के अंदर काम कर रहे थे ही वॉज बिलोंगिंग टू बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन थी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस गुजरात को कोई भी रिलैक्सेशन बेनिफिट सपोर्ट नहीं देती थी, उसके बाद भी गुजरात इतना फ्लरिश किया। अगर आप किसी गुजराती से बात करें और उनसे पूछें कि जी मोदी जी ने यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए क्या किया, तो वो कहेंगे कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करवा दिया, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आज मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ तो मुझे पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाना पड़ता है, फिर नक्शा पास करवाने के लिए जाना पड़ता है, फिर अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर प्रोडक्ट अप्रूव करवाना पड़ता है, फिर वाटर का कनेक्शन लेना पड़ता है, फिर पॉल्यूशन वाले के पास जाना पड़ता है, फिर वेजेस एक्ट में जाना पड़ता है, ESIPF, मेरे को 20-30 डिपार्टमेंट्स में जाकर चक्कर काटने पड़ते हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं, फिर उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, सेम डॉक्यूमेंट, सेम KYC, सेम पैन, आधार, हर जगह मुझे देना पड़ता है। तो मोदी जी ने क्या कहा कि सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन। अब असेसी 20 डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, 20 के 20 डिपार्टमेंट उन्होंने एक ही बिल्डिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ एक बार सबमिट करना, वो 20 के 20 डॉक्यूमेंट में फोटोकॉपी करवाकर हम खुद सप्लाई करवाएंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन 20 के 20 डिपार्टमेंट्स में ऑटोमेटिक की जाएगी। तो सेसी कहते हैं मेरी तो आपने जान आसान कर दी, मेरी तो जिंदगी आसान हो गई, कहां मुझे 6 महीने, साल, 2 साल लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाते करवाते, और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा तब तक मैं काम शुरू नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी हमने ये बेनिफिट देने की कोशिश की स्टार्टअप को, हमने क्या कहा कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन हम इजी कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे और सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन हम आपके लिए करेंगे। एवरीवन बिलीव्स दैट इनकॉर्पोरेशन एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस इज फार मोर डिफिकल्ट देन रनिंग। देखिए क्या लाइन लिखता है, वो कहता है कि कंपनी को खोलना और रजिस्टर करवाना, कहता है उसको चलाने से भी मुश्किल है, कि ये बड़ा ही मुश्किल काम है जी इंडिया के अंदर। इट इज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आते हैं, एन एप्लीकेशन इज देयर, एप्लीकेशन मतलब मोबाइल ऐप, ठीक है, सो एप्लीकेशन इज देयर टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर सकते हैं, एंड अ सिंगल मीटिंग इज अरेंज्ड टू एट द स्टार्टअप इंडिया हब, ठीक है, आप इस हब पे जाएंगे और एक सिंगल मीटिंग आप कीजिए, एंड ऑल्सो देयर इज अ सिंगल डाउट एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग विंडो इज वेल, अगर आपका कोई भी कस्टमर केयर इज ऑल्सो देयर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी एक विंडो है, आप वहां पे जाइए, वो आपको गाइड करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टेंडर्स। गवर्नमेंट ना अर्लियर जो टेंडर्स देती थी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को देती थी और उन कंपनीज को देती थी जिनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग होता था, जो बड़े सालों से काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमने क्या कहा कि स्टार्टअप इंडिया के अंदर अगर आप हैं तो हम आपको भी, चाहे आप फ्रेश बिल्कुल नई कंपनी, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, आपके कोई प्रॉफिट्स नहीं है, फिर भी हम आपको टेंडर्स देंगे। एवरीवन कहता है कि हर एक पर्सन की ये कोशिश होती है उसे गवर्नमेंट का टेंडर मिल जाए, क्यों? क्योंकि उसकी पेमेंट्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और बड़े प्रोजेक्ट वो आपको देते हैं। बट इट इज नॉट इजी टू एक्वायर द गवर्नमेंट टेंडर्स अंडर दिस स्कीम। स्टार्टअप जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर अगर आप एनरोल्ड हैं, यू गेट द प्रायोरिटी इन गेटिंग द गवर्नमेंट टेंडर्स, प्लस आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस होना भी जरूरी नहीं है। अगर आप कहते हैं सर हमारी तो बिल्कुल नई कंपनी है, तब भी हम आपको प्रायोरिटी देंगे और गवर्नमेंट टेंडर्स आपको देंगे। And the last is the huge networking opportunities. Networking opportunity means opportunity to meet with the various startup stakeholders at a particular place and time. एक जगह पर हम आपकी मीटिंग करवाएंगे। वो कहते हैं कि हम एनुअली फेस्ट करवाते हैं। फेस्ट के अंदर सभी लोग आएंगे, कोई जॉब लेना चाहता है, कोई स्पॉन्सर करना चाहता है, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, कोई सप्लायर है, कोई कस्टमर है, उन सबको बुलाएंगे और वहां पर आप भी अपनी स्टॉल लगाकर बैठिए और हर एक पर्सन से इंटरेक्ट कीजिए। यू नेवर नो आपको कौन बिजनेस मिल जाए, कोई एम्प्लॉय मिल जाए, कोई सप्लायर मिल जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी मिल जाए। तो हमने कहा कि जी हम आपको नेटवर्किंग के लिए भी फेस्ट करवा कर देंगे, एनुअल फेस्ट। सो क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ अपॉर्चुनिटी बाय कंडक्टिंग 2 स्टार्टअप फेस्ट एनुअली। हर साल हम 2 फेस्ट करेंगे और वो कहते हैं ये डोमेस्टिक लेवल पे भी होगा और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी किए जाएंगे। सो बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज, एक बार इस पूरे पेज को दोबारा से
रिकॉल कर लेते हैं सो दैट ये हमारा कंक्रीट हो जाए। सबसे पहले हमने क्या कहा कि सर एक नई स्कीम हम लेकर आए स्टार्टअप इंडिया, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्लस एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बढ़ाना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने इसे कब लॉन्च किया? 16/1/16 को, ठीक है। और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? नंबर वन, फाइनेंशियल बेनिफिट आपको दिया जाएगा। कैसे? हमने कहा सर जो पेटेंट कॉस्ट है ना 80% का डिस्काउंट उसे आप गवर्नमेंट आपको देगी। सेकेंड, इनकम टैक्स बेनिफिट, आपको पहले 3 साल तक हम टैक्स भी नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट, हमने कहा कि हम एक मोबाइल ऐप बना देंगे, आप उसके ऊपर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और एक सिंगल मीट हम आपके अरेंज करेंगे एट द स्टार्टअप इंडिया हब, और यहाँ पर डाउट एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग विंडो भी हम आपके लिए खोल के देंगे। गवर्नमेंट टेंडर्स में भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे आप फ्रेश हैं, आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपको गवर्नमेंट टेंडर्स दिए जाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट बेनिफिट वाज ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो हमने कहा नेटवर्किंग आपकी बेटर हो, इसलिए हम 2 स्टार्टअप फेस्ट हर साल किया करेंगे, बोथ एट द डोमेस्टिक लेवल एंड एट द इंटरनेशनल लेवल। हमने कहा कि जी अगर आप स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इन 3 में से किसी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आना पड़ेगा। नंबर 1, आप पार्टनरशिप फॉर्म बन के आ सकते हैं। नंबर 2, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म बन के आ सकते हैं। नंबर 3, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के भी आ सकते हैं। तो अगर कोई प्रोप्राइटर है, एक अकेला पर्सन अगर काम करता है, तो उसे स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्या उसे स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट मिलेंगे? क्योंकि आपको इन 3 में से ही कोई एक होना है, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको होना पड़ेगा। तो इन 3 में से कोई एक है तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। चलिए जी, यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है जी, स्टार्टअप इंडिया वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अब यहाँ से बिल्कुल नए सिरे से एक नई बात शुरू होगी, दैट इज स्किल इंडिया, जिसमें हमने क्या कहा कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो यूथ है भर भर के है इस वक्त, कमिंग 10-15 ईयर्स के लिए जो इंडिया है दैट इज द यंगेस्ट कंट्री, एज अगर एवरेज एज अगर हम देखें, सो दैट इज कमिंग इंडिया की जो आती है वो 30 से 36 साल के बीच में आती है, और वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज के अंदर वी आर द नंबर 1 एंड द यंगेस्ट कंट्री। और मोदी जी ने भी ये बात कही कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड है क्योंकि लोगों के पास कोई स्किल्ड स्किल नहीं है, तो वॉट इफ अगर हम उनको कोई सिखा दें, 3 महीने का कोई कोर्स कर दें, 6 महीने का कोई कोर्स कर दें, एक पर्सन है वो पढ़ाई में लेटे से अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम उसे मोबाइल का काम सिखा दें, प्लम्बर का काम सिखा दें, कारपेंटर का काम सिखा दें, तो वो लाइफ लॉन्ग उस स्किल से अपना रोजी रोटी कमा सकता है और देश में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो विद दिस इंटेंशन हम स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट लेकर आए, जिसमें हमने क्या कहा कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन स्किल इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, लेट से आज मैं एक इंस्टीट्यूट खोल लेता हूं जिसमें मैं लोगों को अलग अलग स्किल्स सिखाता हूं, किसी को मोबाइल रिपेयर की सिखा दी, किसी को प्लम्बर की सिखा दी, तो कहते हैं कि अगर आप इस तरह का स्टार्टअप करेंगे तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसमें बहुत अच्छी और हेफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशन आती है। गवर्नमेंट कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट से मैंने कहा कि सर मेरे यहाँ पे मोबाइल रिपेयर का जो कोर्स है 6 महीने का ₹10,000 का है, गवर्नमेंट कहती है कि आपने स्टूडेंट से सिर्फ 20% चार्ज करना है, 80% हम देंगे, ठीक है। तो अगर मैं मोबाइल रिपेयर का जो कोर्स है अगर 10,000 वाला 2,000 में सिखा दूंगा 6 महीने में, तो कितने भर भर के लोग उसे करेंगे, और मुझे भी कोई नुकसान नहीं, मेरे को तो मेरे पूरे 10,000 मिल रहे हैं, 8,000 उसमें से गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, बस मेरे को नाम पता KYC उनका भेजना पड़ेगा एप्लीकेंट का, और इसमें चोरी ना हो। ऐसे तो आप कहेंगे कि सर आप तो मोहल्ले में से किसी भी 20 का नाम लिख देंगे और वहां से पेमेंट लेते रहेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि जो पेमेंट है वो उनके खाते में जाएगी, आप पूरे 10,000 उनसे ले लो, और जब आप उनका KYC हमें दोगे तो ₹8,000 हम आपको डायरेक्ट नहीं देंगे बल्कि ट्रेनी के अकाउंट के अंदर। आजकल गवर्नमेंट ने सब जगह ऐसे किया कि गैस सब्सिडी इस तरह से कि पहले गैस सब्सिडी गैस सप्लायर एजेंसी को आती थी और उसमें करोड़ों रुपए का फ्रॉड होता था, लेकिन अब क्या होता है गैस सब्सिडी क्लाइंट के कंज्यूमर के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचती है। चलिए जी पढ़ते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑफ द स्किल इंडिया। द कॉन्टेंट ऑन द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको हम शॉर्ट में NSDC कहेंगे, अगर आप देखेंगे तो आगे लिखा भी हुआ है NSDC,
तो एक कंपनी हमने खोल दी जी, एनएसडीसी, फॉर कैरिंग आउट ऑल दिस वर्क इज टू बी इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द कंटेंट्स कवर्ड अंडर द अफोरसेड पॉइंट। आइए जी एनएसडीसी के बारे में पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं एनएसडीसी क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एक ये कंपनी है जी, बट ये कौन सी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, और ये कब बनाई गई, 31/7/8 को, ठीक है। इसको भी हम उस तरह से न्यूमेरिक लिख लेते हैं जी, वो डेट को ना याद रखना इजी हो जाता है, 31/7/8 से आप समझते ना 08, ठीक है 07/08, 31/7/8 31 जुलाई 2008 को ये बनाई गई अंडर, देखिए पुराने कंपनीज एक्ट के सेक्शन बता रहा है, पुराना कंपनीज एक्ट नहीं, नए के सेक्शन याद रखेंगे, दैट इज द सेक्शन 8, ठीक है। सो आपको पता ही है 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया था जिसने पुराने कंपनीज एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। पहले कंपनीज एक्ट था हमारे पास 1956, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया था 1956 का, सो उसमें बहुत बार अमेंडमेंट्स करनी पड़ती थी। तो हमने कहा कि सर इतनी अमेंडमेंट्स, आप पूरा का पूरा एक्ट ही नया ले आओ। तो हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पूरा का पूरा नया एक्ट लेकर आया, एज पर द लेटेस्ट प्रोविजन। तो पुराने कंपनीज एक्ट के जो सेक्शंस हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कि पुराने कंपनीज एक्ट में नॉट फॉर प्रॉफिट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन से सेक्शन में रजिस्टर होती थी। सो वो कहते हैं कि अब आप नए कंपनी का याद रखेंगे, दैट इज अ सेक्शन 8, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हाथ से लिख लीजिए सेक्शन 8। हाथ से लिखवाने की क्या इंटेंशन है, आप कहेंगे सर सामने लिखा तो हुआ है सेक्शन 8, अब फिर मैं हाथ से दोबारा क्यों लिखूं। हाथ से लिखवाने का मतलब मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जब आप अपने हाथ से कुछ लिखते हैं तो आपकी नजर उस पर जरूर जाती है, पेज के ऊपर। मेरे को ऐसा लगता है सबसे पहले स्टूडेंट उस चीज को पढ़ता है जो उसने हाथ से लिखा हुआ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप कोशिश करें उसको हाथ से लिख दें उस पेज पे, चाहे ऑलरेडी लिखा हुआ है दोबारा से हाथ से लिख दे, ताकि जब कभी भी आप वो पेज पलटाएं तो वो जरूर पढ़ लें उस पेज के ऊपर जो आपने हाथ से लिखा हुआ है। तो सेक्शन 8 इज The section for incorporating not-for-profit public limited. ये company के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ section 8, क्योंकि आपने अभी तक companies act को पूरा नहीं पढ़ा, वो आप executive level के ऊपर पढ़ेंगे। So section 8 वो companies होती है जिसमें government ने कहा कि हम आपको बहुत सारे benefits देंगे। Benefits कैसे? Income tax नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, GST नहीं लगाएंगे, और आपको बहुत सारे benefits देंगे। लेकिन आप हमें promise करो कि आप profit के लिए काम तो नहीं करते। ये कहते नहीं सर, हम तो सोशल कॉज, एनवायरमेंटल क्लॉज, एजुकेशन, फूड, इन सब के लिए काम करते हैं, हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट मेकिंग का बिल्कुल भी नहीं है। सो इन दैट केस सेक्शन 8 में आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। लेकिन द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, क्या इनको प्रॉफिट हो सकता है? फिर से बोल रहा हूं, ये कंपनीज प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती। इनका काम क्या है कि हम सोशल कॉज करें, चैरिटी करें, फ्री में किसी का इलाज करवाएं। लेकिन क्या इनको प्रॉफिट हो सकता है? द आंसर इज यस, इनको प्रॉफिट हो सकता है। लेट अस से मेरी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी और हम चैरिटी कर रहे थे, कोई एक पर्सन वो सुपर इंप्रेस्ड बाय आवर वर्क, और उसकी लेटेस्ट फैमिली में कोई नहीं था, ना बीवी थे ना बच्चे थे, वो अपने 10 करोड़ रुपए जी हमें चैरिटी करके चला गया, हमारे डोनेशन बॉक्स के अंदर से 10 करोड़ डाले, अपनी विल में लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरे सारे एसेट्स, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, सब कुछ इनको मैं डोनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो उस साल मैंने खर्चा किया लेटेस्ट 6 करोड़ का, और मेरे को डोनेशन आ गई थी 10 करोड़ की, तो मेरी अगर बैलेंस शीट या P&L में देखेंगे तो उसमें तो प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन फिर भी प्रॉफिट आ सकता है। द बॉटम लाइन इज, गवर्नमेंट कहती है कि सेक्शन 8 कंपनी, अब मैंने गवर्नमेंट के पास जाके पूछा कि सर क्या अब मैं सेक्शन 8 कंपनी में एलिजिबल नहीं रहा, क्योंकि मेरा मोटिव तो नहीं था लेकिन मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। गवर्नमेंट कहती है प्रॉफिट कमाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं आप उनको डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर आपकी कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है तो अच्छे दिल से, अच्छे कॉज से जुड़े हैं, वो कोई डिविडेंड कमाने की इंटेंशन से आपकी कंपनी के साथ नहीं जुड़े हैं। तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट आ गया तो आप ये और ज्यादा रुपए अगली बार चैरिटी के अंदर लगाइए। तो अगर प्रॉफिट आ भी गया है, प्लीज
डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा था कि सेक्शन 8 कंपनीज जो हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है. इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट कमा नहीं सकते, इनको प्रॉफिट होता नहीं है. कभी कभी इनको प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए उसमें कोई बुराई नहीं है. बस वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना आपने अपने शेयर होल्डर्स के बीच में. प्रॉफिट है वो फिर उस गवर्नमेंट के पास जाएगा? नहीं, उसी कंपनी में होगा और जिस भी कॉज के लिए आप काम करते हैं उसके लिए उसको इन्वेस्ट करें. लेट अस से मैं एजुकेशन के लिए मैंने एक कंपनी खोली जिसमें हमने क्या कहा कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर तो फ्री में पढ़ाएंगे या सब्सिडाइज्ड रेट पे पढ़ाएंगे. ठीक है, लेट अस से पर स्टूडेंट मेरा खर्चा 500 रुपए का, लेकिन मैं सिर्फ 50 रुपीज पर मंथ हमसे चार्ज करूंगा. ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर. तो किसी ने मेरे को 10 करोड़ रुपया दे दिया, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये 10 करोड़ रुपया जो आपको प्रॉफिट हो गया एकदम से, ये भी आप उनकी एजुकेशन पे लगा दीजिए. 50 रुपीज भी लेना बंद कर दीजिए, स्मार्ट क्लासेस बना लीजिए, 2 ब्रांचेस और खोल लीजिए, आप रेंट पे हैं तो अपनी बिल्डिंग में बैठ जाइए. सो जो भी आप उससे करना चाहते हैं, आप उसी कॉज के लिए उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, बट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. कमिंग फॉर एनएसडीसी को हमने कब बनाया, 31/7/8 को, और इसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पे बनाया. ये गवर्नमेंट ने इसको बनाया था. ठीक है, और हमने कहा कि सर इसमें कितने शेयर किसके पास है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 49% शेयर गवर्नमेंट ने रख लिए, 51% शेयर इसके अंदर उन्होंने पब्लिक को दे दिए जो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. एनएसडीसी वॉज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि आप और हम मिलके काम करेंगे. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यहाँ पे पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है, और प्राइवेट का मतलब है कोई भी जन. लेट से मैं उसके शेयर लेना चाहता हूँ 1%, तो मैंने वो शेयर उसके खरीद लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज एनएसडीई के थ्रू उन्होंने 49% शेयर कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट किया ऑफ दिस कंपनी जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट थी. और जबकि प्राइवेट सेक्टर मतलब इंडिविजुअल्स कंपनीज को कहा कि अगर आप शेयर लेना चाहते हैं तो आप सारे मिलके 51% ले सकते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतनी उसमें से ले सकते हैं, लेकिन इतने ही शेयर हैं जी हमारे पास पब्लिक को देने के लिए, 49% इसमें गवर्नमेंट ने रख लिए. सो इस मॉडल को हमने क्या बोला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. जहां पर कुछ अच्छा काम होता है गवर्नमेंट बहुत बार कहती है आप और हम मिलके काम करते हैं, अकेले आप भी क्यों करो, अकेले हम भी क्यों करें. तो हम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और मैंने बताया कि अगर लोगों को अगर हम स्किलफुल बना देंगे तो वो कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे. चाहे छोटा मोटा काम करें, प्लम्बर का करें, मोबाइल रिपेयर का करें, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बशर्ते आपके हाथ में भी स्किल होनी चाहिए. अब हमने कहा सर ये काम क्या करेंगे, हमें पता लग गया ये आपने 31/7/2008 को बनाया, इसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पे बनाया, 49% शेयर गवर्नमेंट ने रख लिए, 51% पब्लिक को दे दिए, ये करेंगे क्या. तो हमने कहा कि दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ठीक है जी, कैटलिस्ट जो इनिशिएट करता है, जो काम को शुरू करता है, बढ़ाता है, प्रमोट करता है. कैटलिस्ट इन द स्किल डेवलपमेंट, तो इंडिया के अंदर ये क्या काम करने के लिए आए हैं, स्किल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग द फंडिंग टू द एंटरप्राइजेस कंपनीज एंड द ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड द स्किल ट्रेनिंग. ये भी मैं ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर चुका हूँ. हर वो एंटरप्राइज, हर वो कंपनी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम कर रही है, जो लोगों को काम सिखाती है जिससे वो अपने ब्रेड एंड बटर कमा सकते हैं, इट मे बी अ 3 month कोर्स, इट मे बी अ 6 month कोर्स, इट मे बी अ 2 year डिप्लोमा. ठीक है, जिसकी वजह से उसको आपने कोई भी स्किल सिखा दी. और मैंने स्किल में बताया कि भी प्लम्बर, कारपेंटर, नर्सिंग, मोबाइल रिपेयर, कुछ भी आपने उसे काम सिखा दिया जिससे वो अपने ब्रेड एंड बटर कमा पाएगा, तो ये उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं. हर उस कंपनी को जो ऐसा काम कर रही है, स्किल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है, तो हम उसको पैसा देते हैं. इट ऑल्सो डिवेलप्स द एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू एनहांस सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट द प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव. तो एनएसडीसी ने ये नहीं कहा कि हम अकेले ही सारा काम करेंगे, इन्होंने कहा जो और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी काम कर रहे हैं हम उनको भी फंडिंग देंगे, उनको एनहांस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे कि आप और हम मिलकर.